हेलो फ्रेंड्स, आई एम अभिनव एंड आई वार्मली वेलकम यू टू बॉलीग्राड स्टूडियोज़। जैसे कि हमने पहले भी सुना था कि आलिया भट्ट और टाइगर श्रॉफ का एक गाना होगा, एक स्पेशल सॉन्ग होगा स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 में, तो वहीं पर हमारे कानों में फुसफुसाहट सी हुई है, एक खबर आई है कि इस गाने का टाइटल लीक हो चुका है। यस फ्रेंड्स, आपने ठीक सुना, इस गाने का टाइटल का नाम होगा द हुकअप सॉन्ग। हुकअप का मतलब तो आपको मालूम होगा, टेंडर वगैरह यूज़ किया कभी आपने? टेंडर में अगर आप किसी की प्रोफाइल देखें तो नीचे किसी की प्रोफाइल में लिखा होता है नॉट फॉर हुकअप्स, हुकअप्स के लिए नहीं। तो इसके बाद तो आप खुद ही समझदार हैं, समझ गए होंगे कि हुकअप्स का मतलब क्या होता है। खैर, हम वीडियो पर अपने टॉपिक पर वापस आते हैं ज़्यादा भटके बिना। इस गाने की शूटिंग शुरू हो चुकी है जो कि महबूब स्टूडियो में हो रही है, और इसका एक बड़ा सा भव्य एक स्पेशल सेट बनाया गया है। गाने की कोरियोग्राफी कर रही हैं फराह खान, म्यूज़िक दिया है विशाल शेखर ने, और ये ना एक पार्टी सॉन्ग होगा। पार्टी सॉन्ग स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2, स्टूडेंट ऑफ द ईयर 1 में भी एक पार्टी सॉन्ग था अगर आपको याद हो, डिस्को दीवाने, डिस्को दीवाने, हाँ ठीक उसी तरह ये भी एक पार्टी सॉन्ग होगा। एरियाना ग्रांडे और ब्रूनो मार्स के गाने आपने सुने हैं? अगर नहीं सुने तो जाकर सुनिए, क्योंकि इस गाने का फील इन दोनों के गानों के रिलेटेड होगा। और फिर वहीं पर इस गाने में भरपूर VFX और लाइटिंग का इस्तेमाल किया गया है, और इस गाने का बजट इतना है कि बाकी के गाने इसके सामने तो फीके पड़ जाएंगे। और मुझे तो डर है कि आलिया भट्ट के आने से कहीं तारा सुतारिया और अनन्या पांडे फीके ना पड़ जाए और आलिया भट्ट टाइगर श्रॉफ के साथ फुर्र हो जाए। कुछ भी हो सकता है, बॉलीवुड है, कुछ भी स्टोरी बनाई जा सकती है। रिलीज डेट का तो पता नहीं कब आएगी, हम बस दुआ करते हैं कि जल्द से जल्द स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 आ जाए। बाकी दैट्स ऑल फॉर टुडे, देखते रहिए बॉलीग्राड स्टूडियोज़। लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना, और जब लाइक कर देंगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, और वहाँ पर जो बेल आइकन दिख रहा है वहाँ पर क्लिक ज़रूर करना, आई मीन प्लीज़। एंड डोंट फॉरगेट द नेम्स अभिनव शर्मा एंड द एड्रेस इज़ नन ऑफ योर बिजनेस। सी या।